बच गए भाई, मुझे लग रहा था मेरी तरफ कूदने वाला था। Hey guys, welcome back to the channel. अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और जस्ट मेरा अभी जो ग्राफी पे कोर्स चल रहा है वो खत्म हुआ है। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि जो आपको स्क्रीन के आगे दिखता है वो तो बहुत साफ सुथरा एक अच्छा सा फ्रेम दिखता है, बट बिहाइंड द सीन क्या चलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो कुछ इस तरह से मेरे एंड पे जो टेबल दिखता है वो है। आज हम बात कर रहे थे एक्सेसरीज की। सो ये कुछ यहाँ पे फिल्टर्स पड़े हुए हैं, देन ट्राइपॉड के हेड्स की बात करी थी एंड लेंस हुड। तो ये कुछ ऐसा है जो मेरे एंड पे सेटअप दिखता है, अभी बहुत भरा भरा है। तो जल्दी से ये सब कुछ मैं साफ कर लेता हूँ एंड फिर हम चलते हैं पीओवी वीडियो शूट करने के लिए। और आज मैं सोच रहा हूँ करते हैं पैनिंग फोटोग्राफी। तो मैंने जस्ट अभी रियलाइज करा कि पहला डेंट गाड़ी का हो गया श्री गणेश। सो राष्ट्रपति भवन, बेसिकली ये पूरी रोड है, अभी आई विल शो यू राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट की ये रोड है। एंड ये एक पार्किंग है जो बहुत लोगों को पता नहीं है, यहाँ पे बेसिकली पूरा पार्किंग का एरिया है। एंड ये है राजघाट, अभी 26 जनवरी का यहाँ पे प्रिपरेशन चल रहा है पूरा। नॉट श्योर अगर शूट कर सकते हैं। तो अभी ISO 100 कर लेता हूँ मैं, वाइट बैलेंस मेरा ऑटो, एंड यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फ्लावर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे फ्लावर्स हैं, कुछ मधुमक्खियाँ हैं। यहाँ पे अपर्चर प्रायोरिटी, ग्रेट। सो नॉर्मली मैं कुछ ऐसा अभी सोच के आया था कि पैनिंग फोटोग्राफी करेंगे, बट कुछ भी अच्छा दिख रहा है तो मैं स्टार्ट करूँगा। बिकॉज जब आप शूट करने आते हो ना, थोड़ा ओपन अप होना ज़रूरी है एंड जो भी अच्छा दिखे जस्ट स्टार्ट शूटिंग। अभी यहाँ पे कुछ बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ऑरेंज येलो, एंड मधुमक्खियाँ बैठी हुई हैं बहुत सारी। तो एक दो और शॉट्स ट्राई करता हूँ, उसके बाद करते हैं पैनिंग फोटोग्राफी। तो सेटिंग्स अभी मैं अपर्चर प्रायोरिटी पे हूँ, F2.8 मैं यूज़ कर रहा हूँ, मिनिमम F नंबर, बिकॉज आई एम यूजिंग 1535 F2.8। तो 35mm पे हूँ। आई विश आज मैं 35mm कैरी कर रहा होता अपना मैक्रो वाला, बट वो तो नहीं है, तो इससे ही काम चलाते हैं। लेट्स सी इससे कितना पास जा सकते हैं। डिसेंट इनफ। और यहाँ पे तो ऑलरेडी कुछ न्यूज़ चैनल्स वाले हैं, यहाँ अगर आप आते हो राष्ट्रपति भवन, बहुत न्यूज़ चैनल्स वाले आपको दिख जाएंगे, बिकॉज़ यहाँ से काफ़ी रिपोर्टिंग होती है। ओके, तो ऑलरेडी कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं, मैं जल्दी से शटर प्रायोरिटी पे जाता हूँ एंड 1/60th of a second एंड कुछ ट्राई करते हैं, देखते हैं। अरे वाह, पहला शॉट ही सही आ गया। नॉर्मली पैनिंग फोटोग्राफी में क्या होता है कि बहुत हिडन ट्रायल होते हैं, जो आप फाइनल इमेजेस देखते हो सोशल मीडिया पे, वो हो सकता है 10 में से 2 या 3 ही सही निकलें। यहाँ पे बहुत अच्छी लीडिंग लाइंस बनी हुई हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कोई ह्यूमन सब्जेक्ट नहीं है, बट स्टिल मैं एक शॉट ले लेता हूँ। F शटर अपर्चर प्रायोरिटी पे आ जाऊँ और मैं ले लूँगा F, यहाँ के लिए F11 ले लूँगा। शटर स्पीड बहुत स्लो जा रही है, F8। थोड़ा सा लो एंगल जाऊंगा ताकि लीडिंग लाइंस बन जाए। तो बेसिकली इस तरह का जब फ्रेम रहता है ना और सब्जेक्ट हो बीच में, तो बहुत अमेजिंग फ्रेम आता है, बट मुझे दूर दूर तक कोई इंसान दिख नहीं रहा, सब गाड़ियों पे ही हैं। तो एक दो शॉट्स लेते हैं फिर निकलते हैं। और ऐसे शॉट्स में जितना वाइड एंगल हो ना, अब जैसे मेरे पास 15-35 है, 35mm पे अगर मैं ये शॉट लूँगा और 15mm पे ये, आप देख रहे हो 15mm में कितना वाइड दिखा पा रहा हूँ, और वही एक बेनिफिट होता है टू कैरी अ जूम लेंस।
एक ये इंटरेस्टिंग सा फ्रेम दिख रहा है, नॉर्थ ब्लॉक की बिल्डिंग विद यहाँ पे कुछ लगे हुए पेड़। अरे वाह, बाइक वाला भी आ गया। अच्छा, मैंने F8 किया हुआ है, F2.8 जल्दी से डाल लूँ। एंड सही है, बढ़िया शॉट है। एक थोड़ा ऊपर के एंगल से लेता हूँ, ये वाला ग्रेट। अच्छा, अब यार पैनिंग फोटोग्राफी स्टार्ट करते हैं। उसकी सेटिंग्स मैं आपको एक बार आइडिया दे दूँ। सबसे पहले अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एपर्चर प्रायोरिटी, इसे मैनुअल पे भी आप शूट कर सकते हो, बट आज वेदर बहुत अनप्रडिक्टेबल है, आप जैसे देख रहे हो क्लाउडी है, तो मैं नहीं चाहता मैं बार बार सेटिंग एडजस्ट करता रहूँ। व्हाट आई डू इज़ मैं चाहता हूँ मोड्स पे शटर प्रायोरिटी। अब यहाँ पे ना 1/30 से 1/60 के बीच में मैं रखता हूँ शटर स्पीड, डिपेंडिंग ऑन कि व्हीकल कितनी फास्ट जा रहा है। तो यहाँ पे 1/60 से स्टार्ट करेंगे एंड ISO मैंने 100 कर दिया। बाकी एक्सपोजर स्केल मैं -1/3 रख दूंगा, ये मेरा प्रेफरेंस है। और फोकस सिलेक्शन 1 पॉइंट से मैं हटा के एक्सपेंड एरिया नहीं, मुझे चाहिए वाइडर फ्रेम। तो यहाँ पे मैंने ट्रैकिंग मोड ऑन कर लिया है, ये बेसिकली जहाँ भी सब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा। तो आप वाइडर फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो, कभी 1 पॉइंट मत लेना, बिकॉज 1 पॉइंट में क्या होगा कि आप रिस्ट्रिक्टेड रहोगे सिर्फ एक जगह पे ही फोकस होने से, और जब तक आप टैप करोगे तब तक सब्जेक्ट निकल जाएगा। अरे यार, वहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट आ गया, बट अब मैं जाऊँगा तब तक हट जाएगा। सो फोकसिंग अपना ऑटो फोकस रखना, एंड अगर आप कैनन यूजर्स हो AI सर्वो, निकॉन एंड सोनी में AFC रखना, बिकॉज हमें कंटिन्यूसली फोकस करना है। तो यही कुछ सेटिंग्स हैं, अब करते हैं शूट एंड लेट्स सी। अब 1/60 पे ना मुझे उतना मोशन नहीं मिल रहा, तो मैं 1/30 पे आ गया हूँ, अब ट्राई करते हैं। ये वाला तो अटेम्प्ट फेल हो गया, एंड यही मैं कह रहा था, बहुत हिट एंड ट्रायल लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हर फोटो में ही आपका परफेक्ट शॉट मिल जाएगा। सो यहाँ पे इस टाइम पे क्योंकि 26 जनवरी की प्रेपरेशन चल रही है, तो पूरी ये जो सड़क है राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक की, वहाँ पे मूवमेंट बंद किया हुआ है। और यही पॉइंट है जहाँ पे मैं मोस्टली पैनिंग शॉट्स लेता हूँ, बिकॉज बैकग्राउंड अच्छा मिल जाता है और बहुत सिलेक्टेड व्हीकल्स आते हैं, तो शूट करना ना थोड़ा अच्छा आउटपुट आता है। एनीवेज थोड़ा आगे चल के जाता हूँ, फिर शूट करते हैं। अरे यार, मिस हो गया। सो अब यहाँ पे काफ़ी कार्स वगैरह आ रही हैं, तो जाते हैं शटर प्रायोरिटी 1/ यहाँ पे मैं हल्का सा फास्ट जाऊँगा 1/40। अरे वाह, थोड़ा बहुत फोकस में आ गया। बेसिकली आपको पैनिंग में ट्राई क्या करना है, जब व्हीकल जा रहा है ना, देखो आपको बेसिकली उसके साथ पैन करना है अपने कैमरा को। तो आपको बेसिकली यहाँ पे ट्रिक क्या है, आपको मैच करना है अपनी स्पीड और जो मूवमेंट में है सब्जेक्ट उसकी। बहुत से हिट एंड ट्रायल लगते हैं, ट्राई करो कि पैरेलल आए सब्जेक्ट। पैरेलल मतलब मैं दिखाता हूँ, तो पैरेलल का मतलब है बेसिकली जब आप शूट कर रहे हो आपके एकदम सामने जब सब्जेक्ट आएगा ना, तो पूरा फोकस में आएगा, अदरवाइज क्या है वो पार्शियल फोकस हो सकता है।
ओके सर, बेसिकली अभी क्या हो रहा है, 1/30 पे बहुत ज़्यादा मोशन आ रहा है, सब्जेक्ट भी मोशन में आ रहा है, तो मैंने शटर स्पीड 1/60 कर दिया टू मैच द स्पीड, बिकॉज ये मेन रोड है, यहाँ पे कार्स बहुत फास्ट जाएंगी, तो अगर सब्जेक्ट फास्ट है तो आप अपनी शटर स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा ब्लर जा रहा है। सो आप करते हैं रोड क्रॉस बिकॉज रेड लाइट तो यहाँ पे काम कर नहीं रही। इंडिया गेट जाना, कहाँ से रास्ता हुआ पूरा घूम के। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, डे टाइम में लॉन्ग एक्सपोजर, तो यहाँ पे लॉन्ग एक्सपोजर के लिए शटर स्पीड में 1/10 कर रहा हूँ, एंड एक स्टैटिक सब्जेक्ट है मेरे फोरग्राउंड में एंड सॉरी बैकग्राउंड में और फोरग्राउंड में मूवमेंट होगा, तो आई एम जस्ट ट्राइंग आउट समथिंग डिफरेंट बट एट द सेम टाइम थोड़ा स्लो मोशन रखते हुए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉट्स आ रहे हैं, आइडिया बहुत सिंपल है, 1/10 ऑफ अ सेकेंड मैंने शटर स्पीड लिया हुआ है, और आपको बेसिकली एक स्टैटिक सब्जेक्ट ढूंढना है और उसके फोरग्राउंड या बैकग्राउंड में आपको बेसिकली स्लो मोशन कैप्चर करना है। एक दो और शॉट्स लेते हैं। ग्रेट, ये वाला मेरा फेवरेट है अभी तक, काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रहा है। बेसिकली जब आप इतना स्लो शटर स्पीड यूज़ करते हो ना, अभी मैं क्यों कर पा रहा हूँ, बिकॉज मैं 35mm पे हूँ बट लेंस में स्टेबलाइजेशन है एंड कैमरा में भी, तो स्टेबलाइजेशन होगा तभी फ्रेम स्टेबल हो पाएगा। सो अभी जो ये शॉट निकाला मैंने, बेसिकली आइडिया था इसके थ्रू जो डॉग बैठा था वो दिखाने का, बट टेलीफोटो लेंस होता तो थोड़ा बेटर शॉट आ सकता था एक डिस्टेंस से, बट जो है, अरे यहाँ बंदर बहुत है, बट 35mm में थोड़ा डेंजर है। और अभी सही शॉट नहीं मिला, वापस जाके ट्राई करना चाहिए, थोड़ा बढ़िया शॉट निकल सकता है इसे कूदे ना। बच गए भाई, मुझे लग रहा था मेरी तरफ कूदने वाला था, बट आई थिंक एक दो बढ़िया शॉट्स तो निकल ही गए हैं। अच्छा, कुछ लोग पिछले POV वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि जो मैं शूट कर रहा हूँ बहुत बेसिक है, या आप लोग मेरे से अच्छी फ़ोटो ले सकते हो। मैंने ये कभी नहीं बोला कि मैं आपसे अच्छी फ़ोटोज़ लेता हूँ, मैं बहुत अच्छी फ़ोटोज़ लेता हूँ,
ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं इसीलिए कैरी ऑन कर रहा हूँ बिकॉज मैं अपने फेलियर्स, मैं अपना प्रोसेस सब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मे बी जो आज मैं फ़ोटोज़ ले रहा हूँ उनमें से एक भी ऐसी ना हो जो मैं इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर डाल सकूँ, बट जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं कर रहा हूँ। सो काफ़ी लोग पॉजिटिव हैं, 99% लोग, एंड आई लाइक कि आपका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया है। सो दैट्स व्हाई मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सीरीज़। और मैंने अब गोल भी रखा है 6,000 स्टेप्स का, अराउंड 3,000 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो स्टार्ट करूँगा धीरे धीरे, पहले 6,000 स्टेप्स, देन 8-10। आप कमेंट करके बताना आपके ऑन एन एवरेज कितने स्टेप्स रहते हैं ऑन अ डेली बेसिस। यार ये इतना बढ़िया शॉट है बट जूम लेंस नहीं है। बाद में क्रॉप करके देखता हूँ कुछ निकलेगा तो। दो छोटे छोटे बच्चे हैं बहन भाई, बड़े क्यूट से थे यार, आई विश 70-200 होता, बट यही है। मैं आज बैग भी कैरी नहीं कर रहा, सिर्फ एक लेंस है बिकॉज आई वॉन्टेड टू कैरी लाइट और ज़्यादा बोझ वोझ लेके नहीं चलना था। आई थिंक हल्का सा भी फास्ट या स्लो होगी ना आपकी मोमेंट, इमेज पूरी ख़राब हो जाएगी, और वो ही उसी का खेल है सारा पैनिंग फोटोग्राफी। एंड एक और चीज़ मैं लास्ट में वीडियो के बता दूँ, जितना सब्जेक्ट आपके दूर होगा ना उतना आप स्लोली मूव कर सकते हो, जितना सब्जेक्ट आपके पास है, बिकॉज साइंस में मैं इतना अच्छा तो था नहीं, टेंथ के बाद कॉमर्स ली थी, बट जितना पास सब्जेक्ट होगा ना उतना आपको जल्दी मूव करना पड़ेगा, और जितना सब्जेक्ट दूर होगा उतना स्लोली करना पड़ेगा। तो वो जो पीछे की साइड से आ रहे हैं ना उस तरफ से, वहाँ के आप देखना बहुत एक्यूरेट शॉट्स मिलेंगे मुझे, देख रहे हो, मतलब मैक्सिमम फोकस में होंगे। उसका रीज़न यही है कि वो सब्जेक्ट बहुत दूर है, और जितने पास होंगे जो इस साइड है रोड के, वहाँ मेरे लिए बहुत मुश्किल है फोकस नेल करना, तो बहुत एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए आपको। देख रहे हो ये वाला आउट ऑफ फोकस, बिकॉज बहुत पास है सब्जेक्ट, अगर मैं 1/50 पे भी जाता हूँ, ये वाला लेके देखते हैं। हाँ ये पहला वाला, बट आप देख रहे हो पैरेलल नहीं आ पाया, दूर वाले सब्जेक्ट्स में पैरेलल बहुत इजीली ले सकता हूँ, तो 35 mm करके मैं बहुत इजीली इस बस का आ सकता है। बढ़िया, हाँ तो ये ट्राई करो, जितना सब्जेक्ट से दूर जा सकते हो ना वो बेटर रहेगा। चलो चलते चलते एक दो और शॉट्स ले लेता हूँ एंड देन घर वापसी। अगेन पूरी बंदर की सेना सामने दिख रही है, शायद वाइड एंगल में आपको ना दिखे, तो जल्दी से जाते हैं अप्रोच ऑफ प्रायोरिटी 2.8, वैसे अटैक ना करें। नहीं नहीं नहीं, अबे यार यहाँ से तो जाना ही, ओ तेरी, ये देखो, अरे यार ये चुपचाप निकलते हैं। चलो एक शॉट तो आ गया बैकलाइट का, यही फ़ायदा है स्ट्रीट में इधर उधर घूमने का, कुछ ना कुछ बढ़िया मिल ही जाता है। अब एक चीज़ बहुत स्ट्रेंज होती है, जो मैंने अभी शॉट लिया, अब वहाँ पे शॉट लेते टाइम आसपास 5-6 लोग खड़े थे, पर वो मुझे दिख रहा था, वो हंस रहे थे, आपस में बात कर रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, वो चने खिला रहे हैं बंदरों को, फ़ोटो ले रहा है। तो आई थिंक आप लोग रिलेट करोगे अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हो, और अगर आपके साथ कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ है कमेंट एंड लेट मी नो।
अब यार इतने बढ़िया सिल्वर शॉट से वहाँ मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया, आपको मैं दिखा दूंगा फ़ोटोज़। यहाँ पे हैं ईगल्स। ईगल्स हुमायूं टॉम में मेरा बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ था ईगल्स के साथ, तो मैं निकलना ही प्रेफर करूँगा। मेरे सर पे 2-3 बार होते हुए गई थी और कैमरा उड़ते उड़ते बचा था मेरा। वो स्टोरी कभी बताऊँगा आप लोगों को। सो दैट्स इट, यही था आज का POV वीडियो। थर्ड वीडियो है, धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके बताओ कैसा है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है शूट करने में। मैं बेसिकली मेरे लिए लर्निंग भी है, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ सब ट्रांसपेरेंटली शेयर कर रहा हूँ। जो मिस्टेक्स हैं, जो भी जैसे भी मैं शूट कर रहा हूँ, आपको भी कुछ आइडिया लगेगा। कई लोग इंस्पायर हो रहे हैं, कई लोगों को अच्छा आइडिया लग रहा है। दैट्स इट, मैं मिलता हूँ आगे इसी तरह इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग। लाइक करके ज़रूर जाना।